और इस वक्त की बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता दें, बड़ा रेल हादसा टला है, दो हिस्सों में ट्रेन बट गई। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई, कपलिंग टूटने के कारण ये हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं, डिब्बों को जोड़ने की कोशिश भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, देखिए बड़ा रेल हादसा आज टल गया। बताया जा रहा है कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो दो हिस्सों में बट गई, क्योंकि कपलिंग टूट गया था, जिस कारण जो ट्रेन है वो दो हिस्सों में बट गई। फिलहाल जैसे ही जानकारी मिली रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अब डिब्बों को जोड़ने की कोशिश जारी है। शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक कोई हताहत की खबर भी नहीं है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर अब तक नहीं मिली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए ये बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन, जैसे बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। बिहार संपर्क क्रांति की ये तस्वीर है। न्यूज 18 संवाददाता मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, फिलहाल जो ताजा अपडेट है, ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इंजन जो अलग हुई थी उसे जोड़ करके, कपलिंग टूटा था उसे दुरुस्त करने के बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। और ये पूरा हादसा जो हुआ था कर्पूरी ग्राम और खुदीराम रेलवे स्टेशन के बीच में, एक रेपुरा रेलवे गुमती है रेपुरा गांव के पास, उसी के निकट ये ट्रेन की बोगी और इंजन के बीच कपलिंग टूटा था और उसके बाद एक ये हादसा होने से बचा, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। वहां के आसपास के लोगों के भी सूझबूझ रही, जो तुरंत इस पे जो गार्ड थे पीछे उन्हें इशारा किया गया और उसके बाद जो अधिकारी थे तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर ट्रेन के बोगी जो कुछ दूर आगे चली गई थी उसे फिर वापस लाया गया और जो खामियां थी उसे दुरुस्त करके ट्रेन को रवाना किया गया। जी मुकेश, रेलवे के अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं? आपकी बात हुई उनसे, आखिर क्या कुछ वजह रही कपलिंग टूटने की? जी, इसमें रेलवे के अधिकारी के द्वारा कहा गया जो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जैसे ट्रेन जहां से रवाना होता है उस जगह पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसे रवाना किया जाता है। और तो ऐसे स्थिति में कपलिंग टूटती है तो कहीं ना कहीं जांच में कुछ कमी रही होगी और इस बात को लेकर के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले का जांच करवाया जाए, क्या वजह रही है, उसके बाद इसमें जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर आगे की कार्रवाई। वैसे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुकेश की कई सारे लोग भी जो है वो ट्रेन के आसपास है, ये आसपास के लोग हैं या ये ट्रेन के यात्री हैं, कुछ जानकारी इसको लेकर? उसमें जब ट्रेन की बोगी वहां पे स्थिर हुई उसके बाद कुछ यात्री भी नीचे आए और अधिकांश लोग वहाँ के जो ग्रामीण थे उनकी भीड़ वहाँ पे जुट गए थे। उसमें ग्रामीणों की संख्या भी है और जो यात्री है वो भी वहाँ पे कुछ है। जी, सभी यात्री सुरक्षित हैं और अब ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित है और ट्रेन में जो खामी थी उसे दुरुस्त करने के बाद रवाना कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मुकेश।